ये बाहर वाले से ज्यादा टेस्टी है, इतना परफेक्ट क्रिस्पी है। क्या हो गया, तू नहीं खा सकती यार, इतना भी हेल्दी नहीं है। इवन मर्फी वांट्स इट नाउ। सोच निकी, अब तेरी लाइफ भी हाई प्रोटीन हो जाएगी। एक नगेट में देखो 6.5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 50 कैलोरी। नगेट खा के प्रोटीन पूरा कर लूंगी। बाहर के नगेट्स का पैकेट है, इसमें आप देख सकते हो 228 कैलोरीज में आपको 13.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, और इस वाले नगेट में जो होममेड बना हुआ है आपको 50 कैलोरीज में 6.5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे आपको दिखेगा चिकन सिर्फ 52% है, बाकी सब शिट भरा हुआ है इसके अंदर। वाटर, ब्रेड क्रम्स, डेक्सट्रोज, ऑयल, बटर, रिफाइंड व्हीट फ्लार, सोय प्रोटीन आइसोलेट, आयोडाइज सॉल्ट, पता नहीं क्या क्या। और हमारे बेचारे प्यारे से चिकन नगेट के अंदर सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स, नमक और चिकन ब्रेस्ट। सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए चिकन ब्रेस्ट, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लेना ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, क्योंकि इसको हम ग्राइंड करने वाले हैं, साथ में अंडे, साथ में कॉर्नफ्लेक्स। ये भी उन दो आ जाएगा, बहुत बंदे पूछते रहते हैं कि गोली कैसे निकालते हो, ताऊ जी की स्किल्स देख लो यार। तो अब हमारे पास मेन तीन इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने हैं, अब इसमें मसालों का और ग्राइंडर का खेल है। हल्का सा पानी डालना है। तो ये कॉर्नफ्लेक्स का हमने चूरा बना दिया है ताकि इसे हम डिप कर पाए। ये हमारे पास डिप करने के लिए रेडी हो गया है। लाल मिर्च डालते हैं। और यहाँ पर हम रूपक का स्पेशल तंदूरी मसाला यूज कर रहे हैं ताकि हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाए। ये गया तंदूरी मसाला, ये वेजिटेरियंस भी यूज कर सकते हैं, पर तुम चिकन नगेट के बनाओगे है ना, पनीर नगेट बनाना। और ये नो, तो अब मेरा तरीका ये है, हमेशा बताता हूँ मैं, पहले बॉटल का वेट नाप लो, उसके बाद जितनी डालनी है सॉस डालो, और उसके बाद वापस से बॉटल यहाँ पे रखना, क्योंकि ये जीरो पे है, आपको पता लग जाएगा कि कितनी आपने ली है। 10 ग्राम एग्जैक्ट श्रीराचा सॉस, यहाँ पर दिख नहीं हो रही होगी क्लियर, मैं लिख दूंगा 83 कैलोरीज पर 100 ग्राम है, तो ये 8.3 कैलोरीज की सॉस है सिर्फ 10 ग्राम। बारह ग्राम मस्टर्ड सॉस, तो 14 ग्राम हमने डाल ली है साउथ वेस्ट। नाउ इट्स टाइम टू ग्राइंड एंड मिक्स एवरीथिंग। तो अब ताऊ जी ने यहाँ पर ये पानी ले रखा है, और यहाँ पे ताऊ जी हल्का हल्का अपने हाथों में पानी लगाएंगे और उसको फिर यहाँ पर रखेंगे। ताऊ जी के हाथ का टैलेंट देख लो यार, हाथों से उन्होंने शेप दे दी भाई। तो ये यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं, अब ये कच्चे हैं, अब इसे हम गेम चेंज करेंगे, इसे बनाएंगे। अब हमने ना एक आइडिया चेंज कर दिया, हम आटा यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स लगा रहे हैं ताकि और अच्छा क्रिस्प और अच्छा कलर आ जाए। तो सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स लगा के हम बना रहे हैं, आटा यूज ही नहीं कर रहे, हमारा मूड चेंज हो गया। आप चाहो तो आटा भी यूज कर सकते हो, बट हमारा मन है कि हम आज कॉर्नफ्लेक्स के साथ ही खाएं, क्योंकि आटे के साथ खा के बोर हो गया। सो यू कैन यूज एनीथिंग, आप इसकी जगह ना कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हो, आप कोई मैदा भी यूज कर सकते हो। सो बेसिकली कोई पाउडर चाहिए जिसके अंदर आप डुबो पाओ चिकन को। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और बस इसके बाद हमें इसे 15 से 20 मिनट एयर फ्रायर में बंद कर देना है, एंड योर चिकन नगेट्स विल बी रेडी। आप कलर देख लो यार जरा, बिल्कुल प्योर नगेट बन गया भाई ये। ओ मैन, ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो अब ये कॉर्नफ्लेक्स हमारे खाली हो चुके हैं, 50 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स थे ये, और ये एग वाइट बच गया है हमारा, वो तो चलो हमने यूज ही नहीं किया, उसको हम गिनेंगे ही नहीं। सो ये हार्डली, इसमें से हमने 2.5 से 3 एग वाइट यूज किए हैं, पर मैं ये भी खा लूंगा। बट इस नगेट के अंदर जो हमने रेसिपी के अंदर राउंड अबाउट 3 एग वाइट यूज करें, क्योंकि ये 5 लिए थे और उसमें से ये राउंड अबाउट 40% बच गया, 3 एग वाइट में भी आपका काम हो जाएगा। तब तक सबसे पहले ताऊ जी जिन्होंने बनाया है इनका टेस्ट टेस्ट देखते हैं, इनको कैसा पसंद आया ये। चलो ये खाओ। बिल्कुल चिकन नगेट है ना, हेल्दी भी टेस्टी भी, ये बात टिक्के से बढ़िया है ना। मजा आ गया, और मतलब टिक्का तो सूख जाता है, पर ये कॉर्नफ्लेक्स का ये मैजिक था कि इसके अंदर
ये दिख रहा होगा आपको 10 लिखा हुआ है, 10 मिनट के अंदर ही बन गया, और चिकन ब्रेस्ट का कुकिंग टाइम भी 10 मिनट होता है जिसकी वजह से जूसी बना है। तो अगर आप आटा वाटा यूज कर लेते हो ना तो वो ज्यादा टाइम लेगा, जिसकी वजह से आपकी चिकन ब्रेस्ट सूख भी सकती है। और चिकन ब्रेस्ट ऐसे ही क्यों खानी है जब आप ऐसे भी खा सकते। मजा आ गया भाई ताऊ जी, थैंक यू यार, थैंक यू। ओ मैन, मैं बता नहीं सकता भाई, 16 नगेट्स बन गए। तो आपके सामने ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ, अपना कैलकुलेटर मेरा खुला हुआ है, आपके सामने ही मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलोरीज। सो 67 कैलोरीज फ्रॉम साउथ वेस्ट, क्योंकि 15 ग्राम ली थी और उसकी एक सर्विंग में 67 होती है 15 ग्राम में, प्लस सिरराचा ली थी हमने 10 ग्राम, सो 8.3 कैलोरीज उसकी। 12 ग्राम हमने मस्टर्ड ली थी, 10 ग्राम में 9 होती हैं, तो इसकी हम 11 ले लेते हैं, 86.3 कैलोरीज आ गई है टोटल सॉसेस से। नाउ 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट थी, सो 160 × 3, ठीक है। उसके अलावा हमने 50 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स यूज किया, सो 50 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स की हो गई अराउंड अबाउट 190 कैलोरीज। एंड और क्या यूज किया हमने, एग वाइट्स, 3 एग वाइट्स की हो गई हमारी, टोटल हो गया हमारा 807 कैलोरीज इन 16 नगेट्स, सो डिवाइडेड बाय 16, 50 कैलोरी एक नगेट। कितना प्रोटीन कंटेंट मिलेगा हमें, 9 ग्राम मिल गया हमें एग वाइट से, 90 ग्राम मिल गया चिकन ब्रेस्ट से, और कॉर्नफ्लेक्स से हम ले लेते हैं इसके अंदर, वैसे तो ज्यादा मिलेगा पर मैं मिनिमम साइड पे लूंगा क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि मैंने 50 ग्राम यूज किया था, सो मैं 5 ग्राम ले रहा हूँ। सो 104 ग्राम प्रोटीन इन 16 नगेट्स, एक नगेट में हमारे पास आ गया 6.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कैन यू इमेजिन गाइस, 50 कैलोरी में 6.5 ग्राम प्रोटीन, इतने डिलीशियस चिकन नगेट का। इसका मतलब यह है कि 500 कैलोरीज में 65 ग्राम प्रोटीन, 1000 कैलोरीज में 130 ग्राम प्रोटीन। भाई दिस इज लाइक हैविंग चीट मील डेली विदाउट एनी रिग्रेट्स। आई जस्ट हैड 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन, वाओ। बिल्कुल रियल नगेट है ना, द एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। अब आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, आइडिया दो नीचे। मेरी रेसिपी प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलना, आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। और कोई रेसिपी चाहिए जो आपका फैट लॉस इजी बना दे, कैलोरी फ्रेंडली, हाई प्रोटीन, कमेंट डाउन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, अंटिल देन बाय गाइस, कीप ईटिंग चिकन नगेट्स।